हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द सेवन में। और आज हम बात करने वाले हैं एयरटेल आइडिया और वोडाफोन से जुड़े बहुत सारे सवालों के बारे में। बहुत से लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं और हमने वहां से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर चूज कर लिए हैं जिसका जवाब देना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज का पूरा वीडियो। और एज यूजुअल मैं वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके सामने लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ घंटे को बजा देना। एयरटेल आइडिया और वोडाफोन से जुड़े बहुत सारे सवाल सामने आए हैं जिसका जवाब देना हमारा फर्ज बनता है। सबसे पहला सवाल ये आया है कि अगर हम एयरटेल में सेल्फ रिचार्ज करते हैं 34 रुपीज का या फिर कितना का भी करें, उसमें जो हमें बैलेंस मिलता है तो वो बैलेंस कहाँ जाएगा? मेन बैलेंस में जाएगा या फिर सेकेंडरी बैलेंस में जाएगा? क्या उसका वैलिडिटी खत्म होने के बाद वो बैलेंस रहेगा? तो देखो भाई, अगर आप सेल्फ रिचार्ज करते हो तो उसका जब वैलिडिटी खत्म हो जाएगा तो वो बैलेंस आपका छूमंतर हो जाएगा, वो आपका मेन बैलेंस में नहीं जाएगा, वो बैलेंस आपका सेकेंडरी बैलेंस में रहने वाला है। अगर आप सेल्फ रिचार्ज करते हो तो थोड़ा ध्यान देना क्योंकि वो बैलेंस 28 दिन बाद आपका खत्म हो जाएगा। अब बहुत से लोगों का सवाल ये है कि जो हमें 35 रुपये के रिचार्ज के साथ 100 MB डेटा मिलता है वो 2G डेटा है या फिर 3G है या फिर 4G है? देखो भाई, आप जिस भी नेटवर्क में हो, 2G 3G 4G वो हर नेटवर्क में आपका काम करने वाला है। अगर आप 2G में तो 2G का वो वहाँ पर आपको पैकेज मिलता है, 3G हो तो 3G डेटा में आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप 4G यूज़ कर रहे हो तो वो 4G में भी आपका काम करने वाला है। मतलब सभी नेटवर्क पर ये आपका काम करने वाला है। अब बहुत से लोगों का सवाल ऐसा है कि क्या अनलिमिटेड प्लान वर्क करेगा, जो कि 3 महीने वाला प्लान होता है या फिर 2 महीने वाला प्लान होता है, क्या वो वर्क करेगा या फिर हमें भी 35, 65, 95 का यहाँ पर रिचार्ज करना पड़ेगा? देखो भाई, अगर आप अनलिमिटेड प्लान यूज़ करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप मंथली रिचार्जेस करो, आपका वो प्लान वर्क करेगा, आपको अलग से 35, 65, 95 का कोई भी रिचार्जेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर आपको ऑलरेडी वैलिडिटी मिलता है। बशर्ते आपको हर महीना रिचार्ज तो करना ही पड़ेगा, और आप यूज़ करते हो तो क्यों नहीं करोगे भाई। तो वो भी प्लान आपका यहाँ पर काम करने वाला है, आपको अलग से कोई भी वैलिडिटी पैक यहाँ पर नहीं लगेगा। अब बहुत से लोगों का सवाल ऐसा है कि जो हम 35, 65, 95 का रिचार्ज करवाते हैं रिटेलर से या फिर थर्ड पार्टी ऐप से जो करते हैं, तो उसमें जो बैलेंस मिलता है तो उसका वैलिडिटी का क्या होगा? वो 28 दिन बाद वो बैलेंस खत्म हो जाएगा या फिर रहेगा? तो वो बैलेंस आपका खत्म नहीं होगा, वो बैलेंस आपका पड़ा हुआ रहेगा मेन अकाउंट में, बशर्ते आपका खाली वैलिडिटी खत्म हो जाएगा तो उस बैलेंस को आप यूज़ नहीं कर पाओगे। पर उससे आप सेल्फ रिचार्ज कर सकते हो, उससे आप अपना वैलिडिटी बढ़ा सकते हो। तो याद रखना इस चीज़, जो आप रिटेलर से करवाते हो, थर्ड पार्टी ऐप से करवाते हो, 35, 65, 95 उसका वैलिडिटी आपका अनलिमिटेड है, मतलब उस बैलेंस का वैलिडिटी अनलिमिटेड है, बशर्ते आपका इनकमिंग आउटगोइंग का वैलिडिटी फिक्स्ड है। लेकिन जो आप सेल्फ रिचार्ज करते हो उसका आप 28 दिन बाद वो बैलेंस खत्म हो जाना है। अब बहुत से लोगों ने हमसे ये पूछा हुआ है कि जब आपने लोगों को मना किया है पोर्ट करने से, तो आपने एयरटेल से जियो में क्यों पोर्ट करवाया? देखो भाई, हमने यूं ही पोर्ट नहीं करवाया है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि जो सिम एयरटेल का मेरे पास था वो मेरे स्टेट का नहीं था, वो वेस्ट बंगाल का सिम था जहाँ मैं पढ़ाई करता था, और वो मेरे नाम पर भी नहीं था, इस वजह से मुझे वो पोर्ट करवाना पड़ा। अब बहुत से लोगों का ये भी सवाल ज़रूर होगा कि आप तो दूसरे नेटवर्क में जा सकते थे, एयरटेल को अपने एयरटेल में यहाँ पर रख सकते थे। पर देखो भाई, जहाँ पर मैं फ़िलहाल रहता हूँ ये कोई शहर नहीं है, ये एक छोटा सा गांव है, और यहाँ पर एयरटेल का नेटवर्क एकदम से नहीं रहता है, मुझे छत पे जाना पड़ता है, उसके बाद एयरटेल का नेटवर्क आता है, और वो नंबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, उसमें बहुत सारे कॉल वगैरह भी आते हैं, तो वो नंबर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इस वजह से हमने यहाँ पर जियो में पोर्ट करवाया है, और उस नंबर को मैं रेगुलर यूज़ भी करता हूँ, इस वजह से हमने यहाँ पर जियो में पोर्ट करवाया, क्योंकि जियो का नेटवर्क हर जगह अवेलेबल है, इस वजह से हमने पोर्ट करवाया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मिल गए होंगे। अगर अभी भी कोई सवाल आपके मन में है, अगर आप कुछ जानना चाहते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है देख लाइक इसे जरूर देना, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करके ही जाना। तो दोस्तों, मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, खेलते रहे और बोलते रहे भारत माता की जय। धन्यवाद। Close till I